एटीएम जो गया वहाँ अपने पर्दाफाश किया, क्या ग्राउंड है? ये दो अभियुक्त पीएनबी बैंक गुन्नौर के पास से जुनावी से गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बरवाला कस्बा में पीएनबी बैंक के एटीएम पर 20 नवंबर को एटीएम कार्ड बदलकर रकम निकालने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि एटीएम मशीन पर भोले वाले लोग रकम निकालने पहुंचते थे तो उनसे रकम नहीं निकलती थी तो उनकी मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल लिया करते थे, फिर जब वे व्यक्ति चला जाता था तो उसके एटीएम से रकम निकाल लिया करते थे। इसी तरह 20 नवंबर को बरवाला पीएनबी बैंक के एटीएम पर भी एटीएम कार्ड बदलकर रकम निकाली थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से रकम के साथ साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। उक्त प्रकरण का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग एटीएम मशीन पर पहले से लग जाते थे और फिर रकम निकालने आने वाले भोले भाले लोगों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल लिया करते थे, फिर धोखाधड़ी कर एटीएम से रकम निकाल कर फरार हो जाते थे। कोतवाली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। एटीएम जो गया वहाँ अपने पर्दाफाश किया, क्या ग्राउंड? ये दो अभियुक्त पीएनबी बैंक गुन्नौर के पास से जुनावी से पकड़े गए हैं। इनके बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये दो अभियुक्त लगातार बहुत ही शातिर किस्म तरीके से ये एटीएम में जो एटीएम से पैसा निकालने लोग जाते थे उसको चेंज करके पैसा निकाल लेते थे। ये वहाँ पे खड़े रहते थे, एक भूप सिंह और भूप प्रकाश है और दूसरा इसका साथी राहुल है, ये मिल करके, और इसका एक और साथी अन्य है जितेंद्र, ये सब मिल करके लगातार इस तरीके का अपराध पूरे जनपद में भी कर रहे थे, अन्य जनपदों में बदायूं, अमरोहा और मुरादाबाद आदि जनपदों में भी करते थे। बहुत ही शातिर किस्म से ये कार्रवाई कर रहे थे। ये बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कोई दो पास है कोई तीन पास है, इसी तरीके का इनकी शैक्षिक स्थिति है, लेकिन ये इतने शातिर हैं कि जो एटीएम होता है उसमें नीचे का बटन होता है, पहले से वहाँ ये मौजूद रह करके नीचे एक बटन को दबा देते थे जिससे एटीएम पूरा हैंग कर जाता था, हैंग करने के बाद उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होते थे। ये वहाँ पे जब कोई व्यक्ति पैसा निकालने आता था उसमें अपना कार्ड इंटर करता था, उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो वहाँ तुरंत पहुँच करके उससे कहते थे कि हम आपका ट्रांजेक्शन कर देंगे और उसका पिन रीड कर लिया करते थे वो खड़े होकर के पीछे। पिन रीड करने के बाद ये एटीएम उसमें पुनः चेंज करके दूसरा एटीएम उस व्यक्ति को दे देते थे कि आपका काम नहीं कर रहा, वो बेचारा चला जाता था और उसके बाद फिर से एटीएम को एक्टिवेट करके ये लोग उसमें से पैसा निकाल लेते थे। पैसा एटीएम इंटर करते थे, उसका पिन पहले से रीड किया होता था, उसको उसमें इंटर करके ये ट्रांजेक्शन कर लेते थे। कभी कभी ये लोग उससे जो सामान है उसकी भी खरीदारी करते थे, कभी पेटीएम के माध्यम से भी पैसे ट्रांजेक्शन करते थे। इस तरीके से 2013 से ये लोग लगातार घटनाएं कर रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि लगभग 600 ऐसी घटनाएं इन्होंने की है जो एटीएम बदल करके एटीएम स्वैप करके ये फ्रॉड करके पैसे निकाल रहे थे, लोगों के जो उनका अमूल्य धन है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे और लगातार ये इस क्षेत्र में सक्रिय थे। अब ये पकड़े गए हैं, विधिक कार्रवाई की। क्या बरामद क्या रची हुई? इनके पास से बरामद हुआ है एटीएम कार्ड बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 7 एटीएम कार्ड थे इनके पास से, पैसे भी 9000 करीब बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल सैमसंग S10 बरामद हुआ है और इनके पास मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।